हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन टॉपिक। आज का टॉपिक लेके आए हैं हम अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस कलेक्ट की हैं जो बेसिकली मतलब सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में या टेस्टिस में यूज होने वाली हैं। उनकी ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे वो आज मैं आपको समझाऊंगी। तो मैंने एक पेज पे सारी ट्रांजेक्शनों को पहले नोट कर लिया है। देखो, रिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। कि रिया ने स्टार्ट किया है बिजनेस कैश से और 50,000 रुपीज। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ट्रांजैक्शन में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, कि बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपीज में, 50,000। तो जितना स्टार्ट किया है वो हमारी कैपिटल भी होगी और हमारा कैश भी। कैश से किया है ना, तो एसेट्स के अंदर कैश ऐड होगा, क्योंकि कैश एक हमारी एसेट है। 50,000 कैश में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50,000 कैपिटल, 50,000 एसेट। ये था हमारा स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे एंट्री है हमारी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 30,000। कि हमने कैश डिपॉजिट किया है, जो कैश है हमारे पास ऑलरेडी उसी को डिपॉजिट हमने बैंक में करवाया 30,000 रुपये। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, पहले हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट करवाया है हमने बैंक में, तो कैश ये जो कैश था इसी को हमने बैंक में कराया। तो बैंक क्या है हमारी, बैंक भी हमारी एसेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो प्लस कितने कितने करवाए हमने बैंक के अंदर, 30,000 रुपये, और कहां से, कैश में से। तो वो कैश में से कम हो जाएंगे, बैंक में ऐड कैश में कम, और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 50 में से 30,000 माइनस कर देंगे हम, तो 20,000 हमारे पास कैश रह गया और बैंक में आ गया बैलेंस 30,000। कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश और बैंक हमारी कैपिटल ही मानी जाएगी। हमने कैश निकाल कर बैंक में कर दिया, कोई डाउट वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 50,000 का कुछ नहीं हुआ, 50,000 का 50,000। ये थी हमारी न्यू इक्वेशन का मतलब कि जो प्लस माइनस करके आया हमारा बचा वो ये है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 3,500 रुपये एंड पेड बाय चेक। हमने ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, परचेज की हैं गुड्स हमने 3,500 रुपये में और पेड बाय चेक, चेक लिखा है, देखो चेक से किया है जो भी पेमेंट की है परचेज की। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे परचेज गुड्स बाय चेक, चेक से हमने परचेज की है। तो चेक, चेक का मतलब बैंक, बैंक में से ही हम चेक वो करेंगे, निकालेंगे 3,500 रुपये निकालेंगे बैंक में से। तो पहले तो गुड्स का लिखेंगे हम यहाँ पे, अब एसेट के अंदर गुड्स आई है ना, परचेज की है, तो गुड्स कितने, 3,500 रुपये, ठीक है, गुड्स होगी 3,500 रुपये। और कहाँ से निकाल लिया हमने, माइनस करेंगे बैंक में से निकाल लिया, क्योंकि बाय चेक लिखा है और कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी इनकी, अब पचास हजार नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर कैपिटल का कोई इफेक्ट नहीं है, कैश का कोई इफेक्ट नहीं, कैश उतना ही है हमारे पास,
20,000 रुपए इसके ऊपर पड़ा है। 30,000 में से 3,500 हमने माइनस किए, ये थी हमारी गुड्स। तो ये थी हमारी न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट एंट्री दिखाती हूँ आपको, परचेज्ड इक्विपमेंट्स ऑफ ₹2,000। हमने कुछ इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं बिजनेस के लिए ₹2,000 के, ठीक है। अब इसमें ना तो चेक लिखा है ना कैश लिखा है, पर हम कैश ही मानेंगे इसको। अगर चेक होता तो चेक, अगर कुछ नहीं है तो हम कैश मानेंगे इसको कि कैश, ठीक है। परचेज किए हैं इक्विपमेंट्स हमने 2,000 की, तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी, अब देखो बिजनेस में आए हैं, एसेट बन जाएगी वो हमारी, तो एसेट यहाँ पे ऐड होगी। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ इक्विपमेंट, ठीक है। और ये नीचे इसकी अमाउंट उतार लेंगे हम, कितने की खरीदे हमने 2,000 रुपए की, और किससे खरीदे हैं? कैश से। तो कैश में से 2,000 रुपए हम माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ा, बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं था, और ना गुड्स पे। इक्विपमेंट्स आ गए हमारे 2,000 रुपए। तो इसकी न्यू इक्वेशन क्या बनाएंगे हम? न्यू इक्वेशन यहाँ पे लिख देना क्या परचेज किया था हमने, परचेज इक्विपमेंट, ये था इसका। अब इसकी न्यू इक्वेशन बना लेंगे हम, कैपिटल उतना ही है हमारे पास जितना था, और कैश हमारा कम हो गया है, 18,000 आ गया। बैंक आ गया हमारा ये 3,500 हमारी थी गुड्स, और 2,000 आ गए इक्विपमेंट के। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी फिफ्थ नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीस कितने, 1,500। हमने सेल किया है, परचेज नहीं, सेल किया हमने, सेल कर दी, बेच दी हैं गुड्स 1,500 रुपए में, जबकि उनकी कॉस्ट थी हमारे पास 1,200 रुपए। मतलब हमने खरीदी थी 1,200 की और 1,500 रुपए में बेची, और 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ हमने, मतलब कम की लेकर ज्यादा में बेची है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब इसकी एंट्री पहले ट्रांजैक्शन में लिखेंगे हम, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश हम कैश में हमने क्या की, बेची है। तो पहले यहां पे देखो, कैश आया हमारे पास 1,500 रुपये, क्योंकि 1,500 की बेची तो 1,500 आया। और क्या बेची हमने? गुड्स। गुड्स कितने रुपए की थी? 3,500 की थी ना हमारे पास गुड्स। और हमें पता है कि, हमें सच पता है कि हमने कितने खरीदी थी, 1,200 रुपए की खरीदी थी हमने। तो गुड्स गई है ना, तो गुड्स माइनस, और प्रॉफिट कितना हुआ? 1,500 रुपये, मतलब 1,500 रुपये में बेची, 1,200 रुपए की खरीदी हुई थी, प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? 300 रुपये। जो 300 रुपये प्रॉफिट हुआ वो हो जाएगा कैपिटल के अंदर ऐड, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो कैपिटल में से प्लस या माइनस होगा। अब पैसे आए हैं तो वो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, प्रॉफिट हो गया। कैश आ गया 1,500 रुपये और गुड्स चली गई 1,200 रुपये की। अब इनकी न्यू इक्वेशन बनेगी, अब 50,000 में ये ऐड हो जाएगा, उसके बाद 18,000 में से 1,500 माइनस करेंगे ना, सॉरी प्लस करेंगे, क्योंकि आया है ना पैसे, ये बन गए, ये हमारा बैंक बैलेंस है। और उसके बाद गुड्स में से 1,200 रुपये माइनस करेंगे तो आ जाएंगे हमारे 2,300 रुपये, और ये 2,000 हमारे इक्विपमेंट के हैं। ये थी हमारी न्यू इक्वेशन। उससे अगली एंट्री हमारी है पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट पेड किया है 3,000 रुपये का। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? पहले हम यहां लिख लेते हैं पेड रेंट, ट्रांजैक्शन जरूर लिखनी है, रेंट हमने पेड किया है, तो पेड किया है बाय चेक तो लिखा, अगर कुछ नहीं लिखा तो हम उसको कैश ही मानेंगे,
ठीक है, तो कैश में से माइनस हो जाएंगे कितने, 3,000 रुपीज। बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं है, गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं है और इक्विपमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, पर कैपिटल कम होगी क्योंकि कैश जा रहा है, तो कैपिटल में से भी माइनस होंगे वो। देखो प्रॉफिट हुआ तो उसमें प्लस करेंगे, और अब क्या हुआ, पैसे जा रहे हैं, मतलब उसके बदले में हमें कुछ गुड्स या कुछ मिल नहीं रहा, हमें सिर्फ सर्विसेज मिल रही हैं, तो पैसे तो जा रहे हैं, तो हमें इनको न्यू इक्वेशन बनेगी इनकी, न्यू इक्वेशन। अब यहां पे 19,500 में से 3,000 माइनस किए हमने, बैंक बैलेंस हमारा, उसके बाद गुड्स एंड इक्विपमेंट्स, ये हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी। अब अगली एंट्री, पेड सैलरीज ₹5,000। अब सैलरी पेड की है, जैसे हमने ऑफिस रेंट पेड किया था उसी तरह हमने सैलरी पेड की है ₹5,000 की। अब इसकी एंट्री भी हम सेम करेंगे, पेड सैलरी यहां पे लिख देंगे, सैलरी पेड की है, तो जैसे यहां पे हमने रेंट माइनस किया जो खर्चा हुआ, अब ये सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, कैपिटल में से एक्सपेंस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, और कैश में से 5,000 माइनस हो जाएगा, बाकी चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसकी न्यू इक्वेशन क्या होगी, वही प्लस माइनस ही करना है हमने, 4,000 इसमें से गए हमारे, 4,2,300। नेक्स्ट कहाँ, 0,0,5,1,1, उसके बाद इनका बैंक बैलेंस, ये गुड्स और इक्विपमेंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस ₹2,000 बाय चेक। अब देखो चेक लिखा है तो चेक का मतलब बैंक, अब कितने, ₹2,000 पेड किया हमने, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ, किस में से गए हैं, बैंक में से, अब बैंक भी हमारी कैपिटल ही है, कितने रुपीस थे हमारे, ₹2,000, ठीक है, पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस बाय चेक। अब कैपिटल भी कैपिटल में से भी माइनस होगा क्योंकि जो बैंक है वो कैपिटल का भी हिस्सा है। नेक्स्ट आ जाइए एसेट्स की तरफ, अब एसेट्स में बैंक, बैंक हमारा ये है, अब बैंक में से करेंगे हम ₹2,000 माइनस, बाकी चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,000। नेक्स्ट इज कैश, हमारा वही है, कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, अब इसमें से हम ₹2,000 माइनस कर देंगे, बैंक में से ₹2,000 का खर्चा हो गया और बैंक आ गया, गुड्स आ गई सॉरी, और ₹2,000 हमारे इक्विपमेंट के आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी है, रिया विड्रॉल ₹1,000 पर्सनल यूज इन कैश, रिया ने कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए। अब देखो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ड्राइंग्स बताई हैं कि व्हाट इज ड्राइंग्स, आप जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसकी पूरी डिटेल मैंने बता रखी है कि ड्राइंग्स किसे कहते हैं। अब पर्सनल यूज के लिए उसने पैसे निकाले हैं तो वो हमारी अकाउंटिंग भाषा में उसको क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग्स। कैश निकाला है उसने अपने खुद के खर्चे के लिए ₹1,000, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, तो हम इसको लिखेंगे ड्राइंग्स। जिसको नहीं पता कि ड्राइंग्स किसे कहते हैं वो मेरी वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, मैंने पूरी डिटेल में व्हाट इज ड्राइंग का बता रखा है। तो ड्राइंग पैसे निकाल रहे हैं तो वो कैपिटल में से भी माइनस होंगे ₹1,000, और बाय चेक, बाय कैश बोला उसने, तो कैश में से भी माइनस करेंगे, बाकी चीजों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस हो जाएगा,
नेक्स्ट, इसमें से माइनस, डेप्टर और क्रेडिटर्स और ड्रॉइंग्स, बैड डेबिट्स किसे कहते हैं, और व्हाट इज लेजर। मैंने इनसे रिलेटेड वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर करना, तभी आपको आगे की नेक्स्ट एंट्रीज समझ में आएंगी। नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री है, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,500 ऑन क्रेडिट, कि परचेज की हैं गुड्स हमने क्रेडिट, क्रेडिट आ गया उधार, कि उधार ली है हमने परचेज गुड्स, गुड्स आई हैं बिजनेस में पर पैसा नहीं गया क्योंकि वो हमने उधार लिया, पर आने वाले टाइम में हम उनको क्या करेंगे, देंगे, हमारी दायित्व है, लाइबिलिटी होगी है वो हमारी। तो आइए इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसकी एंट्री होगी, पहले यहां पे लिख लेते हैं, ये तो था ड्रॉइंग्स का, यहां पे आएंगे परचेज गुड्स, गुड्स आई हैं बिजनेस में पर किस तरह आई हैं, ऑन क्रेडिट उधार आई हैं, कैश नहीं गया, हमने कैश नहीं दिया, तो पहले कैश तो गया नहीं है, तो कैश का कोई वो नहीं है ना, बैंक में से गया पैसा, पर गुड्स का क्या हुआ, गुड्स आई हैं हमारे पास, कितने की आई हैं, 1,500 रुपए की, और इक्विपमेंट का कोई नहीं, और ना कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, पर हम उसको कहीं ना कहीं तो नोट करेंगे, गुड्स अगर आई हैं तो हम कल उनको देंगे, दायित्व है हमारी, जिम्मेवारी है, तो दायित्व क्या कहलाते हैं, लाइबिलिटी के अंदर आएगा, लाइबिलिटी के अंदर आएगा। तो लाइबिलिटी का मैंने एक वीडियो जरूर बना रखा है, आप चेक कर लेना कि दायित्व किसे कहते हैं, एसेट्स क्या है, ठीक है, उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी है लाइबिलिटी, हमने देने हैं आने वाले टाइम में, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी के अंदर 1,500 रुपये ऐड हो जाएंगे, ना कैपिटल में आएंगे ये, ना कैश में आएंगे, ये आएंगे लाइबिलिटी के अंदर, जो हमने फ्यूचर में पे करना है। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन, कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, प्लस लाइबिलिटी हो गई है हमारी 1,500 रुपये देने हैं हमने, और कैश हमारा ये है, प्लस बैंक बैलेंस, प्लस हमारे पास अब क्या आ गया, गुड्स बढ़ गई हैं, परचेज की है ना, तो गुड्स बढ़ेंगी, और ये हमारे 2,000 के इक्विपमेंट्स हो गई। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, तभी आपको पूरी एंट्री समझ में आएंगी। आप देखो जो हमारी कैपिटल और लाइबिलिटी है ये है, नेक्स्ट इनको प्लस करना कैपिटल और लाइबिलिटी को, अब आ जाओ एसेट्स की तरफ, ये हमारी सारी एसेट्स है, अगर आप इनको प्लस करोगे और इस साइड प्लस करोगे तो इन दोनों का प्लस सेम आएगा, मान लो अगर यहां का हमारा आ रहा है 50,000 रुपये, तो इस साइड का भी 50,000 रुपये ही आएगा, आप प्लस माइनस करके चेक कर सकते हो, हम हमारा दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। तो गाइस ये थी हमारी पूरी अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट इक्वेशंस, आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो, देख सकते हो, अगर कोई नहीं भी समझ में आए, किसी चीज का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।